व्यूअर्स मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 और मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है बात करने के लिए वो बॉलीवुड की तो जानी मानी एक्ट्रेस है ही लेकिन इस बार वो है भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत कंगना जी आपका अभिनंदन है बहुत धन्यवाद अमीश जी लोग राजनीति से दूर भागते हैं बॉलीवुड वाले आप उसके और करीब आ गई हैं तो ये जोखिम क्यों उठाया आपने <laughs> वाकई में जोखिम है ये जी लुकिंग एट द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट एंड फार फ्रॉम द ग्लैमर ऑल ऑफ यू नो हम लोग तो कितना आदि होते हैं और एक्चुअली में इम्बेसिंग भी हैं किस तरह के बबल में रहते हैं हमारे हेयर मेकअप से लेके असिस्टेंट से लेके शेफ ट्रेनर से लेके और एक ये बहुत ही वास्तविक दुनिया है और जहाँ पर जितनी चाहे रूरल एरिया हो या जितना जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ ज़्यादा जाना यू नो you know, uh, तो खैर uh, मुझे मेरा ये मानना है कि ये कोई पर्सनल एम्बिशन तो है नहीं कि मुझे जो है नेता बनना है लोगों को कहना चाहिए कि ये हमारी नेता है एंड uh, अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे राजनेता बनना है देन इट इज़ वर्ग तो इन माय इन माय एक्सपीरियंस ऐसी कुछ सिचुएशन uh, बनी ऐसे कुछ लोगों ने मुझे इस लायक समझा इतना कामयाब समझा उस टाइम पे तो मुझे बड़ा फ्लैटरिंग लगा जब मुझे कहा कि आप खड़े होना चाहेंगी क्या यहाँ से मंडी से इनफैक्ट मुझे 2019 में भी एक ऐसी संभावना बनी थी उस टाइम भी मुझे पूछा गया था तो आ, चाहे वो मेरा वर्क वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो या मैंने वेरी ओपनली जो हमेशा सरकार का जो है वो चाहे वो भारत के राष्ट्रवादी जो सरकार का मैंने जो पक्ष लिया है या मेरी खुद की जो है वो एज एज अ वूमन जो संघर्ष रहा है फ्रॉम मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत के इतिहास में सिनेमा के इतिहास में एक रूरल एरिया से आने वाली किसी महिला ने एक आदिवासी एरिया से आने वाली महिला ने जो है फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का सुपर स्टार्टअप चाहे जो भी रीज़न रहा हो उन्होंने जब मुझे आ, ये ये संभावना जब बनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने कहा अरे वाह यार हमें ऐसे सोचा है तो वाई नॉट लेट्स गो फॉर इट लेकिन अब जो जब नानी याद आती है लेकिन आपको ये क्योंकि देखिए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है जब मैं आपको आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक कर रहा था लोग आपको बहुत प्यार करते हैं हर व्यक्ति आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है एक तो आप बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है वो भी एक कारण है दूसरा आप मंडी की खुद की हैं मंडी की खुद की बेटी हैं तो क्या आपको लगता है ये जो कनेक्ट है ये आप कर पा रही हैं और उन्नीस में आपने क्यों मना करा और चौबीस में हाँ क्यों करा उन्नीस में एक तो जो संभावना बन रही थी वो मध्य प्रदेश से बन रही थी और एक तो मैं कभी मध्य प्रदेश में रही नहीं थी तो हमेशा ये दिल में था कि अगर कभी हो तो अपने ही प्रदेश का जो है वो सेवा करने का मौका मिले और हमारा देश हमारा जो प्रदेश है बहुत ही ज़्यादा कई जगहें हैं जहाँ पे पिछड़े हुए हैं तो मुझे लगा कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी मेरे प्रदेश के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी आपने बीजेपी को क्यों चुना ऑप्शन तो कांग्रेस भी थी ऑप्शन तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वाई भारतीय जनता पार्टी ये भी सही बात है आपने बिल्कुल सही कहा कि गैंगस्टर के एकदम बाद भी जो है मुझे कांग्रेस से ऑफर आया था जी जी विधायक का क्योंकि मेरे जो परदादा जी हैं जिनके आप वो देखते हैं सबसे ऊपर जो फोटो है जी 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 वो विधायक रह चुके हैं और वो भी वो दस पंद्रह साल विधायक थे कांग्रेस से विधायक थे तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो ना कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस में पदाधिकारी थे तो खुद ही घर पे इतना प्रेशर हो जाता है कांग्रेसी और आप भारतीय जनता पार्टी में चली गई वही मुझे उस टाइम पे गैंगस्टर में पापा आ गए अपना झंडा उठा के कहते बेटा अब हम राजनीति में क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पहले मुझे कहते रहे कि आप खड़े हो क्योंकि सरजू सिंह ठाकुर के परिवार से कोई तो होना चाहिए आप, आप मैंने कहा पागल हो गए क्या क्या ये किस तरह की बातें कर रहे करे और आप ये मतलब मुझे मैं पॉलिटिक्स में कभी जाऊंगी ही नहीं ये मेरे जो शब्द बोला जी मेरे ये शब्द और अब सोचा नहीं था मैंने तो तुम मुझे तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँ नजर बचाते हुए फिरते हैं वो सुखू जी ने भी तो कहा है ना कि इनके पिताजी हमारे जो है अध्यक्ष यूथ अध्यक्ष बनाया हुआ था उनको सुखुजी जी भी कहते हैं पापा जी के बारे में तो वो अपने दोस्तों से नजरें छुपाते हुए फिरते हैं अब क्या करेंगे लेकिन ये स्वाभाविक है और मैं आपको ये दिल से ये बता रही हूँ कि एक जब एक ऐसे नेता होते हैं है ना जो चाहे आप देखो सुभाष चंद्र बोस हुए या महात्मा गांधी हुए या एक एक लार्जर देन लाइफ जब कोई एक नेतृत्व आता है ना तब युवा लोगों में जो एक देश के प्रति जो कहीं ना कहीं सोया हुआ था वो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जगाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और तभी हम आकर उनसे जुड़े हैं तो आप कहती है आपको लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि राष्ट्रवादी है प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व करिश्माई है इसलिए आप आई लेकिन देखिए राजनीति में जब जब आती हैं तो आक्षेप लगते हैं। जब आपको नाचने गाने वाली कहा जाता है इस तरह के शब्द कहे जाते हैं तो आप कहती हैं कि मैं एक राजपूत महिला हूँ मैं लड़ना जानती हूँ मैं ये देखिए जब एक महिला जो है वो आ... आप कहती है मैं नाचती नहीं हूँ मैं हड्डियां तोड़ती हूँ <laughs> वो, वो तो खैर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी बहनें हैं चाहे वो नाचते गाने वाली भी क्यों ना हो जी उनको भी सम्मान हमें देना चाहिए क्योंकि नृत्य शास्त्र जो है सामवेद जो है हमारे शास्त्रों में वो बहुत ही एक अहम वेद है और खर खैर मेरी जो बात रही है मेरे जो रोल रहे हैं हमेशा महिला सशक्तिकरण की भूमिका मेरी रही है चाहे वो क्वीन हो या चाहे वो मणिकर्णिका हो जलिता हो या इनो एक बेटी जिसने अपना पूरा करियर मुझे खानों के साथ काम करने का जहां आप जानते हैं कोई एक्ट्रेस आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसने खानों के साथ काम करने की जो है वो रिजिस्ट किया या यशराज के साथ या। मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया मैंने अपनी एक जर्नी बना के रखी तो

तो मेरी माता जी और सब बहुत ज़्यादा डर गए थे और उनके लिए एक बहुत रोमांटिक फेज़ रहा था तो मैं ये कहूँगी कि जब महिलाएं जो हैं फील्ड में होती हैं तो ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं चरित्र या पव यू नो या आइटम चीज़ है जो उसको देखने इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सुनने को मिलती हैं लेकिन जब पुरुष होते हैं तो अक्सर ये ये वर्ड्स नहीं आते हैं यू नो पुरुष का भी आप नहीं होते हैं या पुरुष कभी चीज़ होके उनको महिला जो आइटम देखने नहीं आती है ये ये जो एक डीप रूटेड सेक्सिज्म है हमारी सोसाइटी में वी मस्ट कॉल इट आउट देखिए क्योंकि एक महिला नेत्री है कांग्रेस की उन्होंने आप पर एक बहुत ही खराब टिप्पणी करी जब आप आपको टिकट मिला ही था आ, सुप्रिया श्रीनेत उनके इंस्टाग्राम हैंडल से एक टिप्पणी हुई और देश भर में इसका एक विरोध हुआ अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों ने इसका विरोध करा उस समय आपको लगा कि ये तो बॉलीवुड से भी खराब स्थिति है यहाँ पर तो मतलब जो एक महिला नेत्री ने लिखा हालांकि उन्होंने बाद में बोला गलती से उनके अकाउंट से किसी ने लिख दिया था ये लेकिन व्हाट यू फेल्ट अक्सर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो बॉलीवुड से ज़्यादा बदतर स्थिति है क्योंकि यहाँ पे तो कहते हैं कि आर्ट, आर्टिस्ट तो मतलब है ही नहीं तो मुझे कहते हैं कि आपकी एजुकेशन ही क्या है आप तो कुछ है ही नहीं और मतलब जिन जो लोग खुद बी ए किए हुए हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि सिर्फ बी ए ही एजुकेशन नहीं होती है यू you नो know, कि आप स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एजुकेशन ली है क्या क्या आप एक फिल्म का सीन परफॉर्म कर कर सकते है, कि आप कर सकते हैं हैं तो वो उसको कुछ समझता ही नहीं है जो जो कला को लेकिन पर्सनल जो अटैक जो हुआ आप पर आपको जब आपके लिए इस तरह के शब्द लिखे गए तो गुस्सा आया आपको या अफसोस हुआ आई वो शॉक्ड आई वो शॉक क्योंकि उन्होंने जो है मेरी फिल्म प्रमोशंस जो हमारी फिल्म होती है हम उनकी जो प्रमोशन करते हैं वो उनके कैरेक्टर में रह के करते हैं चाहे मैं लक्ष्मी बाई की प्रमोशन करने लग जाऊँ तो मैं पाइथनी पहन के निकलूंगी ये टीम रहती है जो जी, हमें जी। बताती है कि भाई किस तरह से आप अभी जैसे एक धाकड़ फिल्म में जो था मेरा एक स्पाई एजेंट जो डिफरेंट डिफरेंट जो है सडक्टिव गेटअप करके जो है इन्फॉर्मेशन जैसे माताहारी टाइप जो कैरेक्टर रहते हैं करती है तो वो फिल्म से जो है इवेंट प्रमोशनल इवेंट का जो कैप्चर करके जो है वो लगा के कि इसके क्या भाव चल रहे हैं आई वॉज़

कि यू नो कि किस तरह से जो है मुझे एनालाइज और स्क्रूटिनाइज किया जाएगा एक हेडलाइन आपने भी बना दी आपने एक ऐसी बात बोली छोटा पप्पू बड़ा पप्पू वो दिल्ली तक हेडलाइन बन गई अब क्यों बोलने की आपको ज़रूरत थी क्या आपको लगता है कि और इस पर विक्रमादित्य ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप इसमें नहीं देखिए आपको भी मानना पड़ेगा कि ये कैसा इतफाक़ है कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ नेपोटिज़म मेरे पीछे पीछे घूमता है ये भी बात है। ना तो कितना है ये सोचिए चाहे ऋतिक हो रन बीरो मैं, मैं, तो मैं तो, इनको, इनको राजा बाबू बोलती रहती हूँ हमेशा जी। क्योंकि ये ऐसा लगता है बिगड़े हुए एकदम पीछे पीछे इनके जो है बाबा 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 करके घूमते रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ऊपर से यहाँ पे एक सर्टिफाइड राजकुमार है फिर इनके पिताजी हैं वो छः बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फिर उसके बाद माता जी जो हैं और उनके पिताजी मिलकर इनके परिवार से आठ बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं आठ बार माता जी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी एम हैं ये खुद दस साल से विधायक हैं और ये जो खुद हैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर अभी हैं इस टाइम पे और इसके सिवा एक और मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट की इनके पास है वही और कितना कितना और कितना मतलब और भी प्रदेश में बच्चे हैं और भी युवा हैं मतलब आप आपको तो नैतिकता के आधिप का आ, बेस पे कहना चाहिए कि भाई अब हमारी फैमिली अब नहीं खड़ेगी या तो हम में से कोई एक जो है वो आगे आएगा और बाकी बच्चों को भी जो है वो मौका मिलना चाहिए लेकिन आप देखिए इनके ऐसा लगता है कि जैसे परिवारवाद का एकदम जैसे जो दीमक है वो इस प्रदेश को खा गया है तो मुझे लगता है कि मुझे ही ये सब कैरेक्टर जो है क्यों मिलते हैं तो ये ये चो, ये छोटा चो, पप्पू आपको किसी ने बताया था बोलने के लिए या आपने खुद बोल दिया था देखिए अब क्या होता है ना कि जो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है लोगों को एक तरफ आप देख लीजिए जैसे कि ये अपने राहुल गांधी जी हो गए वो वहाँ आजादी के टाइम से जवाहरलाल नेहरू इंदिरा फिर राजीव फिर उसकी माता जी और फिर अब मतलब कमौन यार आप तो बहन उनकी कह रही है अमेठी में गई थी स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रचार करने के लिए रायबरेली में भी वो गई थी उन्होंने बोला इस बार ये आप रायबरेली में एक एम नहीं चुन रहे आप देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हो राहुल जी के लिए तो मैं वही कह रही हूँ कि इनको नैतिकता के अधिकार आधार पे कहना चाहिए कि भी हमारा जो हमारा जो आ, जो परिवार है अब पीछे हट रहा है क्योंकि और भी जो लोग आपको लगता है ऐसा होगा पॉलिटिक्स के अंदर तो आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए उनको वो नहीं बच्चों को चलाना है उन्हीं को करना है तो खैर अब फिल्म इंडस्ट्री जिसको देखना है, देख लेते हैं, आपको लगता है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से थ्राइव करनी चाहिए थी, वैसे कर रही है नहीं वहां भी नेपोटिज्म का दीमक जो खा गया और इनको मिलते कौन है मैं मैंने ही इन, इनका जो है वो बेड़ा कर करके जैसे, जैसे महिषासुर मर्दनी महिषासुर का जो है वो संघार करती है सारे मतलब ये नेपोटिज्म वालों का पंगा आप ही से होता है सबका मैं खुद परेशान हूँ भाई मैं खुद परेशान हूँ मैं एक बड़ी शांति के जीवन जीना चाहती हूँ आप शांति का जीवन जीना चाहती है वो जो है मुझे ढूंढते हैं और फिर जो है वो खुद नष्ट हो जाते हैं लोग मुझे कहते हैं फिर इसने इसको खत्म कर दिया अच्छा चलिए राजनीति का तो छोटा पप्पू बड़ा पप्पू मिडिल पप्पू सब आपने बता दिया अब ये बॉलीवुड का बड़ा पप्पू और छोटा पप्पू कौन है <laughs> अरे बॉलीवुड में तो आपको पता है है पूरी तरीके से जो खानदानों ने उसको कैप्चर किया वो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ मैंने उन्होंने मुझे कहा था लंदन में जाकर उन्होंने कहा था मैं उसको कहता हूँ कि निकल जाए फिल्म इंडस्ट्री से अरे गूगल करिए ना आप निकल जाइए फिल्म उनका बहिष्कार हुआ सारे देश ने थूका था उन पर कि आप कौन होते हैं इसको धमका के निकालने वाले तो कितनी गंदी बात उन्होंने कही ना तो इससे पता चलता है कि अगर उनके पिताजी जो यश जौहर खुद होते वो कभी ऐसे नहीं कहते यश चोपड़ा ने खुद जो है वो शाहरुख खान को बनाया है वो लोग उनकी इंटेग्रिटी अलग थी क्यों क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे शाहरुख खान को मानती है कि ही तो देखो जो जो इंसान खुद स्ट्रगल करके बने हैं ना उनमें उनकी इंटेग्रिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते लेकिन जो माँ बाप के पैसे पे बैठ के खा रहे हैं ना वो वो लोग जो है वो इस तरह की बातें निकल जाओ चले जाओ यहां से जाओ यहां रहा है हम करेंगे और फिर छोटे छोटे बच्चों की तरह बातें करते हैं और फिर उनको पप्पू कहते हैं फिर उनको बुरा लगता है तो बॉलीवुड में छोटा कौन दिखता है आपको पप्पू मतलब आप, आप देखिए मैं अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट आप आप सब आप जानते हैं कि जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वो परिवारवाद से भरी, भरी हुई है इनका पूरा ग्रुप है जिन्हें चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों उ को प्रमोट किया जाता है उन्हीं की फिल्में बनती है बाहर आउटसाइडर्स को आने नहीं दिया जाता है तो इस तरह से खैर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है आप क्यों चाहते मेरे मुंह से निकले और मैंने आज तक जो वहां पे क्या कम बोला है लेकिन, लेकिन लेकिन आप आपको भी मतलब आपकी एक फिल्म आई थी पंगा आपको भी पंगा लेने की आदत है इन सबसे अरे मुझे नहीं है ये लोग मुझे ढूंढते हैं ये लोग मुझे ढूंढते हैं और इन लोगों को जो है लिटरली मैं कहती हूँ कि मैंने कभी सोचा था कि विक्रम आदित्य मेरे अपोनेंट होंगे यहाँ पे आप कभी सोच सकते हैं तो वो अचानक कांग्रेस ने अचानक उनको अपोनेंट तो बना के दे दिया तो फिर पहले से कोई और लड़ने वाले थे तो फिर

उद्धव ठाकरे मैंने उसको क्या आप सोचते, मैंने उनको बोला कि आप आओ और मुझसे बैल मुझे मार वो तो उन्होंने खुद मुझसे पंगा लिया और वो और जब राज ठाकरे होते तो उनके और मेरी जबरदस्त दोस्ती होती उनकी इंटेग्रिटी अलग है इनकी इंटेग्रिटी अलग है और आइडियोलॉजी की बात नहीं है बात वही पप्पू पर आपने उद्धव ठाकरे से पंगा क्या लिया भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी वो पार्टी मतलब बची नहीं है आप उद्धव ठाकरे और... बचे हैं? आदित्य ठाकरे बचे हैं। अरे फिर ये और मतलब न... उनके साथ उनके बाकी नेता हैं। मैं वही कहती हूँ इनको विक्रमादित्य को भी कि तुम्हारे पास दो दो मिनिस्ट्रिया अब ये सत्ता की भूख ऐसा ना हो जो था वो भी तुम्हारे हाथ से जाए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं आप भी वहीं थी मैं भी वहां था हमारा ये सौभाग्य था कि हमें वो मौका मिला क्या आपको लगता है राम मंदिर इस चुनाव में विषय है क्योंकि आप हर जगह जय श्री राम की नारे भी लगाती हैं हम बाकी भी रैलीज में जाते हैं वहां पर भी इसी तरह होता है प्रधानमंत्री मोदी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जेपी नड्डा साहब की रैली में भी होता है तो राम मंदिर क्या मुद्दा है या फिर भावना का विषय है देखिए एक तो ना मुझे कई बार ना मासूम सवाल जो मीडिया वाले पूछते हैं ना मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो वाकई में इतने मासूम हैं कि अच्छा आपको मैं, मैं चला दिख रहा हूँ जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा हो कि हम राम मंदिर बनवा के देंगे और इसी हिमाचल से ऐलान हुआ था पालनपुर से तो नेचुरली आप ऐसी बातें पूछते अगर अगर उनके मैनिफेस्टो में ये है कि वो जो देश की जो एक देश की जो एक चेतना शक्ति जो है उसने एक एक संघर्ष पूरा खड़ा किया है एक पूरी जो मूवमेंट हुई थी जो अशोक सिंगल से लेके जो एल के अडवाणी जी ने जो करी थी जिसमें अटल जी भी थे पूरी तो वो जो मूवमेंट है आप उसको अंडरप्ले नहीं कर सकते कि फ्रॉम नो जो है ये राम जी का मुद्दा नहीं एक मूवमेंट हुई थी भाई वहाँ जलियाँ वाला बाग की तरह गोलियाँ चली थी वहाँ कार मरे थे तो उसके बाद में अगर एक देश है वो कह रहा है कि भाई हमारे रामलला जो वो टेंट में सोए हुए हैं और एक पार्टी है वो कहती है कि आ, आप हमें और ऐसा नहीं है कि दे आर इन पावर और दे फ्रॉम स्क्रैच तो पार्टी ने राम मंदिर बनाया है देश के लिए या देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए प्लीज अंडरस्टैंड टू थिंग्स या देश है। ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए अब इन बा, इन बातों को अंडरलाइन कैसे कर सकते मेरा मानना है और जो प्रत्यक्ष है देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए है ना तो अब राम मंदिर ही राम मंदिर है सब जगह ये देश की चेतना शक्ति का ये कमाल है जो राम मंदिर बन के आया है मेरा अगला अगला सवाल है क्या आपको लगता है कि आ, इस दौर के चुनाव में खासतौर पर दो में राष्ट्रवाद भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरह से विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीजेपी पर अटैक करता है कई मुद्दों को लेकर क्या आपको लगता है कि वो विषय भी हैं बेरोजगारी महंगाई राष्ट्रवाद जो है वो एक एलियन कॉन्सेप्ट था हमारे देश के लिए कि मुझे जो है एक अपने देश के प्रति जो है वो एक प्रेम होना चाहिए और सेंस ऑफ Uh, जो है इंटेग्रिटी और प्राइड होनी चाहिए ये इसी को नेशनलिज्म कहते हैं माय माय कंट्री इज द बेस्ट दैट इज एसेंशियली नेशनलिज्म तो ये ये जो भावना है ये भावना को कहीं ना कहीं जो है वो हीनता से जोड़ा गया था आप सोच लीजिए जो उनकी क्या मानसिकता होगी जो इस भावना को हीन समझते हैं कहीं ना कहीं उनके उद्देश्यों में उनके जो लक्ष्य हैं कि इस देश के टुकड़े होने चाहिए उसमें जो है ये जो हमारे देश ये भावना जो उठ के आ रही थी उसमें ये एक रोड़ा बन रही थी तो इस भावना को हीनता से जोड़ा गया था ये एक पार्टी है जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है और उससे क्या है ओवरऑल जो है हमारी चाहे वो स्टार्टअप्स हो गए इकोनमी हो गए या सेना बल हो गए या, या सीमाएं होंगी उनको एक सशक्तिकरण मिलता है तो नेचुरली सी बात है ये इनका मेन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद जो है वो मेन एजेंडा है तो राष्ट्रवाद एक हो गया और नंबर टू हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया के लिए देखने के लिए ग्यारहवें नंबर से पाँचवें और तीसरे नंबर पे जाने के कागार पे है तो नेचुरली जो है हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और उसमें जो है अगर आपको बाल की खाल खींचनी है दो लोगों को पकड़ के कि भाई ये बेरोजगार है तो जो आप साठ सालों में नहीं कर सके उससे कई ज्यादा दस सालों में करके दिखाए आप और भी करके दिखाएंगे महिला सशक्तिकरण पर आपने बहुत बड़ा काम किया है मतलब फिल्मों के जरिए अब आप राजनीति में हैं हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं उन के साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ शिकायत उसकी हुई अरविंद केजरीवाल के पीए को अरेस्ट कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी